नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी आज देंगे 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, एम्स और खाद कारखाना का करेंगे उद्घाटन। आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजे देने की मांग, राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आज आगे की रणनीति पर होगा विचार। ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर, वैज्ञानिकों का दावा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,822 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन से 23 लोग पॉजिटिव। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर, शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। ताइवान को लेकर चीन की धमकी से बड़ा खतरा, 2027 या उससे पहले युद्ध की आशंका। शेयर बाजार की तेजी पर शुरुआत, सेंसेक्स में 430 अंकों का उछाल, निफ्टी 17,000 के पार। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री बोले, टेस्ट क्रिकेट को पूछते हैं विराट कोहली। बेटे आर्यन खान के केस के बाद पहली बार दिखे शाहरुख खान, घर की बालकनी से फैंस को हिलाया हाथ। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।